अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सिल्वर सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा एहतिशाम। और आज की डेवलपमेंट अपडेट से पहले हम आपको 2023 का एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं। ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी लेंथी होगी, तो एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मौशी हालात कुछ बेहतर नहीं है। इसके अलावा मुख्तलिफ सोसाइटीज ऐसी भी हैं जिनके पास NOC तो बहुत दूर की बात है, जमीन तक नहीं है। फेक लोकेशंस दिखाएंगे जो डिलीवरी नहीं कर सकते, जगह छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत सारी इलीगल सोसाइटीज पे क्रैकडाउन भी किया गया, बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना भी उनको करना पड़ा है। मगर सिल्वर सिटी के CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत को जारी रखा। आज सिल्वर सिटी में आप सबको दावत दी जाती है कि आप आए और इस हकीकत को अपनी आंखों से खुद देखें। और जो सिल्वर सिटी को विजिट नहीं कर सकते, आज हम उनको इस वीडियो के थ्रू विजिट करवाएंगे। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गेट नंबर 2 का ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसकी साइड वॉल्स का काम भी शुरू हो गया है। जैसे ही ये गेट कंप्लीट हो जाएगा, इसकी फिनिशिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। प्राइम जोन 1 और प्राइम जोन 2 में डेवलपमेंट का काम अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। सिल्वर सिटी में जगह जगह हॉर्टिकल्चर का काम भी तेजी से जारी है। तो यहाँ इस वक्त स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के लिए ड्रेनेज का काम तेजी से जारी है, ताकि मुश्किल मौसमी सूरतेहाल में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के लिए दूसरे कलवर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। सिल्वर सिटी ब्लॉक ए में राउंड अबाउट का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। सिल्वर सिटी में इस वक्त तकरीबन हर जगह कर्व स्टोन का काम मुकम्मल हो चुका है। सिल्वर सिटी में जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन की साइड वॉल्स का काम भी शुरू हो चुका है। सिल्वर सिटी में मौजूद ब्लॉक्स A, B और C की डिमार्केशन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द पोजीशन भी अनाउंस कर दी जाएगी। अब हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 1 पे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड्स का काम तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ दरख्त भी लगाए जा चुके हैं और गेट की कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं सिल्वर सिटी गोल्फ एनक्लेव ब्लॉक में और आप देख सकते हैं कि रिंग रोड सिल्वर सिटी के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ रिंग रोड का काम तेजी से जारी है और अपने टारगेट्स को टाइमली अचीव करने के लिए कोशा है। रिंग रोड रावलपिंडी की पहली डेडलाइन 9 महीने थी, जिसको तब्दील करके अब 6 महीने कर दिया गया है। सिल्वर सिटी के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग सरदार अयाज खान ने रिसेंटली UAE विजिट में पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई से मीटिंग में उन्हें सिल्वर सिटी की अब तक की डेवलपमेंट के हवाले से आगाह किया। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई पाकिस्तानियों को 1961 से अपनी खिदमात पेश कर रहा है। सिल्वर सिटी वो वाहिद प्रोजेक्ट है जो ठलिया इंटरचेंज और रिंग रोड रावलपिंडी से कनेक्टेड है, जहाँ से सिर्फ एयरपोर्ट 5 मिनट, श्रीनगर हाईवे 15 मिनट, GPO चौक 20 मिनट, कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल से 12 मिनट और सेक्टर I-16 से सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट। 2023 में इतने अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी सिल्वर सिटी ने डेवलपमेंट करके एक बात तो साबित कर दी है कि सिल्वर सिटी एक पुरअज़्म सोसाइटी है और हर मुश्किल वक्त में भी अपना मयार कायम रखना जानती है। हम आप तमाम कस्टमर्स के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने इस मुश्किल वक्त में भी सिल्वर सिटी पे अपना भरोसा कायम रखा। 2024 आपका और हमारा साल है। इंशाल्लाह हम यहाँ से नई बुलंदियों के सफर का आगाज करेंगे।